वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी कि 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का आम बजट पेश किया है। इस बजट में किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय करेंगे। खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर, ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी लाई जाएगी। इसके साथ ही साथ मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वैरायटी भी लाई जाएगी। 32 फसलों की 109 वैरायटी लाई जाएगी। मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वैरायटी लाई जाएगी। दालों तिलहन के लिए मिशन मोड पर काम जारी है। सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम लाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी। अगले 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा भी देगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपए है। आपको बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया है। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को भी लाभ होगा। रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की 5 योजनाओं के पैकेज की घोषणा भी की गई है। इससे 5 साल में 4.10 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोड मैप देने का वादा किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की 9 प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फार्मर सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए 3 किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपए होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को ये मदद मिलेगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह रहेगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा भी मिलेगा। आपको बताते चले कि बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला भी रखेगा। दिस ईयर आई हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 1.52 लाख करोड़ रुपीज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यानी कि 23 जुलाई को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश कर रिकॉर्ड बना दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मिरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।